लेकिन फिल वक्त अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि वज़ीरे आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए गवर्नर हाउस का ये बताना है, आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीरे आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कल तहरीक अदम एतमाद के ऊपर गिनती होनी थी, लेकिन उससे कबल ही ये खबर आई है कि वज़ीरे आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खलील अहमद, ये खबर दुरुस्त तरह से आई है, वज़ीरे आला बलूचिस्तान ने वाकई इस्तीफ़ा दे दिया? जी हाँ बिल्कुल, आसाब शिकन जंग के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने आखिरकार हथियार डाल दिए और गवर्नर हाउस के हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि वज़ीर आला जाम कमाल ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया और ये इस्तीफ़ा उन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान को दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि बाप पार्टी के तमाम अरकान का एक मुश्तरका इजलास जो है वो गवर्नर हाउस में हो रहा था, जिसमें नाराज़ अरकान भी मौजूद थे और वज़ीर आला जाम कमाल भी मौजूद थे और तकरीबन ये मुज़ाकरात आठ से दस घंटे जारी रहे हैं और इसके बाद यकीनन कोई इनके दरमियान मादा हुआ होगा और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया। लिहाजा अब जो कल बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होना था जिसमें इस हवाले से राय शुमारी होनी थी, अब वो नहीं होगी और अब जो है वो कल इजलास तो ज़रूर होगा जिसमें जो नाराज़ अरकान है वो आएंगे और वहाँ पर वो इस्तीफे के बाद वज़ीर आला के जो है वो अपनी जो तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई है वो जो करारदाद है वो वापस ले लेंगे और उसके बाद नई हुकूमत के तश्कील के लिए जो है वो बातचीत शुरू हो जाएगी। हमारे तराय ने बताया है कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नाराज अरकान ने जो है वो कुदूस बिजिंजो को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया है जबकि स्पीकर के लिए जान जमाली को नामजद किया गया है। जी तो इन ये जिन जिन के नाम नामजद किए गए हैं उनके लिए कितने लोगों का इत्तेफाक है? और अब आपने जैसे कि बताया कि कल अब राय शुमारी तो यकीन नहीं होगी, आज इस्तीफा दे दिया है, तो अब बलूचिस्तान के सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं इसके बाद? जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आज सारा दिन मुजाकरात होते रहे और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल -1 के फार्मूले पे रजामंद हो गए थे, तमाम उन्होंने उनका ये कहना था उनके साथ जो 24 या 25 लोग खड़े थे उनका क्या मुस्तकबिल होगा, तो इस हवाले से सुबह एक मुजाकरात का दौर हुआ जिसमें चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक और गवर्नर बलूचिस्तान समेत दीगर लोग शामिल थे, जबकि फिर शाम को जो है ये दोबारा मुजाकरात का दूसरा दौर हुआ जिसमें तमाम चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार कर गई और जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश कर दिया। जी इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश कर दिया है, तो खलील अहमद क्या बताया जा रहा है कि अब उनकी जगह पर कौन वज़ीर आला आएंगे? जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान अवामंग पार्टी के जो नाराज अरकान थे 13, उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ था, बैठक हुई थी जिसमें इस हवाले से मशावरत की गई, सलाह मशवरा किया गया और वोटिंग की गई और जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जो है वो कुदूस बिजिंजो को मिले, जबकि स्पीकर के लिए जान जमाली उम्मीदवार थे उनको नामजद किया गया। इस तरह अगर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला अगले वज़ीर आला जो है वो मीर कुदूस बिजिंजो होंगे और स्पीकर जान जमाली होंगे जो फिर हल्फ उठाने के बाद अपनी काबीना तश्कील देंगे, जिसमें यही कहा जा रहा था कि जिन नाराज अरकान ने जो है ये वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी और वो तकरीबन एक महीने से जो है अपने स्टांस पे डटे हुए थे, पहले उनको जो है अकोमोडेट किया जाएगा और इसके बाद जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साथ लोग खड़े थे उनको भी कुछ लोगों को जो है उनको वजारतें दी जाएंगी। तहम अब ये नहीं पता कि जो मौजूदा इत्यादी पार्टियां हैं जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। नाजरीन आपको ये बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए गवर्नर हाउस से ये खबर आई है जिस बात की तस्दीक हो चुकी है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का भी ये बताना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कल तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होनी थी, लेकिन उससे कबल ही ये खबर सामने आई है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब कल होने वाला इजलास होगा लेकिन राय शुमारी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उनकी जगह पर कौन वज़ीर आला आएंगे? जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान अवामंग पार्टी के जो नाराज अरकान थे 13,
उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ था, बैठक हुई थी, जिसमें इस हवाले से मशावरत की गई, सलाह मशवरा किया गया और वोटिंग की गई, और जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो है वजीर आला बलूचिस्तान के लिए जो है वो कदूस बिजिंजो को मिले, जबकि वो स्पीकर के लिए जान जमाली उम्मीदवार थे उनको नामजद किया गया। इस तरह अगर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के नए वजीर आला, अगले वजीर आला जो है वो मीर कदूस बिजिंजो होंगे और स्पीकर जान जमाली होंगे, जो फिर हल्फ उठाने के बाद अपनी काबीना तश्कील देंगे, जिसमें यही कहा जा रहा था कि जिन नाराज अरकान ने जो है ये वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी और वो तकरीबन एक महीने से जो है अपने स्टांस पे डटे हुए थे, पहले उनको जो है अकोमोडेट किया जाएगा और इसके बाद जो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साथ लोग खड़े थे उनको भी कुछ लोगों को जो है उनको वजारतें दी जाएंगी। ताहम अब ये नहीं पता कि जो मौजूदा इत्यादी पार्टियां हैं जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान जहूर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। नाजरीन आपको ये बताएं कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए गवर्नर हाउस से ये खबर आई है जिस बात की तस्दीक हो चुकी है। गवर्नर बलूचिस्तान जहूर आगा का भी ये बताना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कल तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होनी थी, लेकिन उससे कबल ही ये खबर सामने आई है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब कल होने वाला इजलास होगा लेकिन राय शुमारी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उनकी जगह पर कौन वजीरे आला आएंगे? जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान अवामंग पार्टी के जो नाराज अरकान थे 13, उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ था, बैठक हुई थी, जिसमें इस हवाले से मशावरत की गई, सलाह मशवरा किया गया और वोटिंग की गई, और जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो है वजीर आला बलूचिस्तान के लिए जो है वो कदूस बिजिंजो को मिले, जबकि वो स्पीकर के लिए जान जमाली उम्मीदवार थे उनको नामजद किया गया। इस तरह अगर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के नए वजीर आला, अगले वजीर आला जो है वो मीर कदूस बिजिंजो होंगे और स्पीकर जान जमाली होंगे, जो फिर हल्फ उठाने के बाद अपनी काबीना तश्कील देंगे, जिसमें यही कहा जा रहा था कि जिन नाराज अरकान ने जो है ये वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी और वो तकरीबन एक महीने से जो है अपने स्टांस पे डटे हुए थे, पहले उनको जो है अकोमोडेट किया जाएगा और इसके बाद जो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साथ लोग खड़े थे उनको भी कुछ लोगों को जो है उनको वजारतें दी जाएंगी। ताहम अब ये नहीं पता कि जो मौजूदा इत्यादी पार्टियां हैं जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान जहूर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। नाजरीन आपको ये बताएं कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए गवर्नर हाउस से ये खबर आई है जिस बात की तस्दीक हो चुकी है। गवर्नर बलूचिस्तान जहूर आगा का भी ये बताना था कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कल तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होनी थी, लेकिन उससे कबल ही ये खबर सामने आई है कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब कल होने वाला इजलास होगा लेकिन राय शुमारी नहीं की जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है।